प्रथम या कार्यक्रमामध्ये मी आमदार मनीषाताई चौधरी यांचे स्वागत करते आहे, कारण भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे उपाध्यक्ष आदरणीय सलाखाताई साळवी यांना दिलं आमदार मनीषाताई यांच्या हस्ते सलाखाताई साळवी यांचं स्वागत। बेहतरीन कार्यक्रम किया गया, खासकर जो मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताई गई शिल्पी के द्वारा, उसके बारे में। आज हमारा मराठी भाषा दिन है और मराठी भाषा में हिंदी में बोल रही है गलत है, लेकिन आपकी हिंदी चैनल है, मुझे बोलना चाहिए। तो आज हमने मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन लाभार्थियों के साथ हमने भारूड़ के माध्यम से वो योजना, हमारी सुप्रसिद्ध भारूड़ का सुप्रिया हमारी खरे जो सांगली से आई है, उन महिलाओं को हमने यहाँ भारूड़ रखा था। उस भारूड़ में संत महात्मा की जो योगी ये है योवी है, उनके जो भजन है कीर्तन है वो लोगों को लाभार्थी मीन्स वो टाइम भी संतों ने लिखा था, वो आज अपन उसका उपयोग कर रहे। ऐसी योजनाओं केंद्र शासन की सभी योजना लाभार्थियों की हमने आज भारूड के माध्यम से लाभार्थी के साथ सर्च किया और इसमें हमारी बहुत सारी बहनें लाभार्थी आई और जो ग्रामीण भाग में रहती थी लेकिन मुंबई में वास्तव्य है उनको भारूड देखने को नहीं मिलता था, ऐसे सभी महिलाओं को आज भारूड़ के माध्यम से मजा लेने का उत्साह आया। तो मैं हमारे सुप्रिया ताई का भी अभिनंदन करती हूँ और सभी लाभार्थियों ने आज यहाँ सेल्फी पॉइंट लेके सभी योजनाएं हमारी तीन तलाक की महिलाओं मुस्लिम महिलाओं ने आके उन्होंने भी बहुत ये किया कि तीन तलाक मोदी जी ने दिया हम कैसे सुरक्षित है, जिनके पास जनधन का खाता है ये महिलाओं भी आज सुखी है कि जनधन के खाते में मोदी साहब कैसे पैसे भेजते हैं, जिनको उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन मिला वो खुशी खुशी से आई है और जिनको स्टार्टअप मिला और मेक इन इंडिया जिन्होंने खुद का बिजनेस चालू किया ऐसी भी महिलाएं आई है, गरीब कल्याण योजना में से मोदी जी जिनको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं वो भी महिलाएं आई, आयुष्मान भारत से 5 लाख का बीमा मिला वो भी महिलाएं आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें से एक भारूड में से बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया कि बेटी आपको बोझा नहीं है, अगर बेटी रहेगी तो किसी की माँ बनेगी, बेटी रहेगी तो किसी की बहन बनेगी, बेटी रहेगी तो आपको रक्षाबंधन होगा, बेटी रहेगी तो आपको भाईबीज होगा, बेटी रहेगी तो दुनिया रहेगी, ये बेटी बचाओ बेटी माध्यम से उन्होंने किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। जलधन जल है तो वन है ये भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया और पौधे लगाओ तो पर्यावरण रहेगा, नहीं तो आज ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा। ऐसी बहुत सारी योजनाओं मोदी जी के लिए और आज हमने सेल्फी लाभार्थियों के साथ सेल्फी भी निकाले। बजट सत्र का पहला दिन था, नए राज्यपाल साहब का पहला भाषण भी था, क्या आज मैं पहले तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसमें महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, आज तक जो मिला नहीं वो राज्यपाल महोदय हमारी सरकार हमारे देवेंद्र जी शिंदे जी दे रहे और इसमें उन्होंने केंद्र शासन महाराष्ट्र को क्या दे रहा है, महाराष्ट्र में जल संपदा होगी, मत्स्य संपदा होगी, हमारे ग्रामीण विकास होगे, हमारे मुंबई का विकास होगा,
बाद में हर जगह पे आरोग्य के बारे में, शिक्षण के बारे में, ऐसा हमारे महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारे विकास के काम आए। और मुझे आशा है 9 तारीख को जो बजट पेश होगा वो मुंबई और महाराष्ट्र के हित के लिए बहुत अच्छा होगा। केंद्र शासन के भी तरफ से भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है योजनाओं के माध्यम से पैसे। ऐसे ही मेट्रो के प्रोजेक्ट आगे होंगे, हमारा कोस्टल हाईवे होगा, हमारे मुंबई में सभी खड्डे मुक्त मुंबई जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। और खड्डे मुक्त में कंक्रीट रास्ते बनेंगे, हर घर बिजली मिलेगी, हर घर जल मिलेगा। ये सब हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से और हमारे आने वाला बजट ये मुंबई के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ।